बढ़िया का प्राचीनतम धाम मंदिर जो कि माता महारानी के नाम से प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन अपनी मन की मुरादें लेकर के इस बढ़िया जो कि बिहार राज्य के लखीसराय जिले के अंतर्गत जो कि यह माता का मंदिर है जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है, यहाँ पर जो कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर बड़ा ही भीड़ लगता है, जहाँ पर कि बड़ा ही अच्छा माता का भव्य मंदिर है और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन अपने मन की मुरादें मांगने के लिए माता के पास पहुँचती हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर कैसा भी विषधर सर्प ने काटा हो, इस मंदिर में आने पर इस मंदिर के भक्त अगर भक्त को उस कुएं का जल पिलाएं तो सर्प का विष जो कि यहाँ आकर के उतर जाता है। इतनी माता यहाँ की प्रसिद्ध हैं, इसीलिए भक्तजन दूर दूर से आते हैं। ये देखिए माता का बड़ा ही प्राचीनतम मंदिर है और यहीं पे ये कुआं है जिससे कि विषधर अगर सर्प ने काटा हो तो उसका भी विष उतर जाता है। तो चलिए फिर आगे दर्शन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से जो भी माता का पूजन करते हैं श्रद्धा के साथ अपनी मन की मुरादें मांगते हैं तो माता त्रिपुर सुंदरी उनकी मुरादें अवश्य ही पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु के रुकने के लिए व्यवस्था भी किया गया है जो कि एक बगल में ही श्रीधर आश्रम भी है और वहाँ पे जा करके रहने की व्यवस्थाएँ हैं जहाँ पर लोग स्नान कर सकते हैं। ये देखिए माता का प्रसाद और नारियल फोड़ने की जगह। अब चलते हैं आगे की ओर, ये है भक्त श्रीधर आश्रम। यहाँ पर दूर दूर से लोग आ करके इसमें स्नान ग्रहण कर सकते हैं, रह सकते हैं और माता की सेवा कर सकते हैं। माता जगदम्बा जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध मानी जाती है और यहाँ पर कन्याकुमारी भी आती है दूर दूर से। ये देखिए कन्याकुमारी सब आई हुई है जिनका कि यहाँ पूजन किया जाएगा और दूर दूर से श्रद्धालु इसी प्रकार से आकर के अपनी मन की मुरादें जो कि यहाँ की प्रसिद्ध देवी माता महारानी से अपनी मन की मुरादें मांगती हैं और माता महारानी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। अगर आप भी इस मंदिर के दर्शनों का लाभ उठाना चाहते हो तो बिहार राज्य में लखीसराय ज़िले में बढ़िया इलाका है, स्टेशन भी बढ़िया है, आप यहां पे उतरे और महारानी स्थान जो कि मंदिर का पता पूछते हुए आप जा सकते हैं और दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं और माता अपना कृपा प्रदान करती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।